हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है द गॉड्स वर एस्ट्रोनॉट्स बाय एरिक वॉन डेनिकन। हमेशा की तरह ये भी एक बहुत अच्छी रिसर्च वर्क वाली बुक है। ये एक्चुअली एक मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट कर रही है जो ह्यूमन काइंड को शुरू से फैसिनेट करता हुआ आया है कि भगवान कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए और उनका स्वरूप जैसा हमें दिखता है वैसा ही क्यों है, कुछ अलग सा क्यों नहीं है। फिर दूसरा, ये चैलेंज करती है रिलीजन को, उनके द्वारा सेट करे हुए बिलीफ सिस्टम को, मिथ को और साइंस को भी। ये कई फैक्ट्स और कई चीज़ों के बारे में बात करती है, इस बुक में बात हुई है, जिनके बारे में साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। अब डायरेक्टली बुक के चैप्टर्स के ऊपर आते हैं। इस बुक में कई चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहले चैप्टर में ये बात कर रहे हैं कि जो जितने भी धर्म इस दुनिया में है, कई धर्म है, हम लोग जो मेजर जानते हैं उसके अलावा भी कई धर्म हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो किस बारे में बात करती हैं। उनके ये क्रिश्चियन हैं और इनको बाइबल में बहुत सारी चीज़ों से ये एग्री नहीं करते हैं। जब इन्होंने अपने किस्सा भी इसमें शेयर किया है, जब वो छोटे थे जाते थे चर्च में तो जो टीचिंग्स होती थी उससे वो एग्री नहीं करते थे और उसके पीछे का इन्होंने लॉजिक भी दिया है। आप उस लॉजिक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी अपने आप को टटोलेंगे कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी हद तक सही है। अब इसके लिए आपको माइंड अपना थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में बात करते हैं कि जो ये चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स के पीछे कौन सी साइंस थी और ये किसने बनाए, कैसे बनाए, स्टोन है जे, और भी एक स्टोन देखा होगा, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, जो बीच से एकदम इक्वली डिवाइडेड है, एक बहुत ज़रा सा गैप है, नाम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो वो जो टेक्नोलॉजी उस समय कहाँ थी, कैसे थी, जो टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। फिर इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में बात करी है वेपन्स ऑफ गॉड के बारे में। हम लोग के जो धर्मों में हम लोग भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और जीसस क्राइस्ट और इन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं और हम लोग इनके अस्त्रों के बारे में बात करते हैं। जीसस क्राइस्ट की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन महाभारत और रामायण में बहुत सारे अस्त्रों के बारे में बात करी है। ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे अस्त्रों के बारे में बात करी गई है जो कहीं ना कहीं एक जैसे होते थे। तो इन्होंने ये बताया है कि जो नारायण शस्त्र, ब्रह्मास्त्र और वो जो मंत्रों की शक्ति जिससे अस्त्र प्रकट होते थे, ये सब कैसे होता था। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। आप एक तरीके से मानिए कि हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, जब हम लोग साइंस में बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, हम लोग बहुत एडवांस हो गए और हम लोगों ने कोई ऐसा एक प्लेन या कुछ बना लिया जो हम लोग जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज चलता है और हम लोग किसी और प्लैनेट पे जाते हैं, किसी और गैलेक्सी के, और वहाँ पे जहाँ पे लाइफ है और जहाँ के लोग अभी स्टिल डेवलप हो रहे हैं, आदिवासी टाइप के हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं, वहाँ के लोग देखकर हमको फैसिनेट होते हैं और हमारे पास आते हैं, हमारे चमत्कारों को देखकर फैसिनेट होते हैं और हमें भगवान मान के हमारी पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं, हमारे मंदिर बनाना शुरू कर देते हैं, बुक्स में हमारे बारे में लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाके उनको एजुकेट किया हुआ है वहाँ पे। इस तरीके से समझिए और इसी चीज को अब इस लॉजिक में लगाइए कि पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल या एलियंस जिसको आप कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हों और अर्थ पे आए हों और उन्होंने इस तरीके से लोगों को एजुकेट किया हो, जिसके आप देखिए जितनी भी हमारी धर्म बुक हैं, धर्म पुस्तकें, उन सब में एक यान के बारे में बोला गया है जो धरती पे आता था, जिसकी जिसका स्वरूप कैसा होता था। अगर आपने कोई भी रिलीजन की बुक पढ़ी है तो उसमें हर जगह बहुत स्पेसिफिकली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी टेक्नोलॉजी, उससे उड़ती हुई धूल, उस वो देखने में कैसा लगता था, इन सब के बारे में लिखा हुआ है। जब आप इनकी इस बुक में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि हाँ, ये सच कह रहे हैं, ये ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। देखिए, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अपने माइंड को आपको बहुत ओपन करके इस बुक को पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे मन में एक बिलीफ सेट है कि भगवान ऊपर आसमान से आए हैं। तो इसके पीछे भी वो ये कहते हैं कि ऊपर हम आसमान से आए हैं हमेशा क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले के लोगों ने हमेशा ये चीज़ देखी कि एक प्लेन ऊपर से आया। उस समय उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी होती होगी कि वो लाइट की स्पीड से ज्यादा से फटाक से आ जाना, उनका आर्किटेक्चर इतना स्ट्रांग होता होगा, अपने आर्किटेक्ट लाते होंगे कि चीजें बना देना, जैसे इंद्रप्रस्थ एक दिन में बन जाना, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो
इससे आप कहीं ना कहीं एग्री करेंगे, लेकिन हमारे मन में एक है कि नहीं भगवान है हमारे दिल के अंदर है, हमारे मन के अंदर है। देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज है, मैं आपके विश्वास को तोड़ने वाली बात नहीं कह रही हूँ, और मेरे कहने से किसी का विश्वास टूटेगा भी नहीं, बिकॉज आई एम नोबडी। बट स्टिल एज आई रेड दिस बुक मुझे बहुत हद तक इसकी बातें सही लगी, लेकिन आपके पास अपना भी दिमाग है, मुझे कई चीजें सही नहीं भी लग सकती हैं, जैसे कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं, इसके लिए मैं इनकी या किसी और की दूसरी बुक्स पढ़ूंगी। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बुक ऐसी नहीं है जिसको छोड़ दिया जाए, इस बुक को पढ़िएगा जरूर। इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि इन्होंने हवा में बातें करी या कोई कंक्लूजन निकाल दी है, इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए भी हैं। आप इसको पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट स्टार्टिंग के चैप्टर आपको थोड़ा सा टाइम लगे समझने में, क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हमारे रिलीजन की नहीं है, जिसके बारे में हम कम जानते हैं ना, उसमें हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन इसमें हर रिलीजन के बारे में बात करी है, तो आप अपने वाले से जब कनेक्ट करेंगे तो आप सीक्वेंस को बैठा पाएंगे। इन्होंने ये भी बताया है कि पहले जो होता था कि जैसे हमारे हम लोग के हिंदूज में क्या होता था, इंडिया में कई चीजें संस्कृत में होती थी, तो संस्कृत की चीजों को गलत इंटरप्रेट भी किया गया है, ऐसा नहीं इंटेंशनली किया गया है, उनकी नॉलेज नॉलेज लिमिटेड होती थी इस संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन उतना सही नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो लोग कर रहे हैं वो काफी ढंग से कर रहे हैं, इन्होंने इस चीज से भी एग्री किया है, जहां पे ये गलत हो सकते थे वहां इन्होंने माना भी है, और जहां पे सही हो सकते थे ये तो इस चीज से एग्री करते हैं कि हाँ भगवान एलियंस हैं, कोई दूसरी ग्रह से आए हुए बहुत डेवलप्ड और एडवांस्ड स्पीशीज हैं, और बाकी सब हमारे मन में बनाए हुए। होता नहीं है कि भय बिनु होए ना प्रीति, तो किसी से अपनी बात मनवाने के लिए एक डर और भय क्रिएट करना पड़ता है, तो सेम चीज है, भगवान का नाम लेकर लोगों ने करी है। मैं खुद भगवान में बहुत ज्यादा मानती हूँ, इसलिए प्लीज ये मेरा अपना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसकी बातों से बहुत हद तक एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी चीज पे विश्वास करना है पहले उसके लिए अविश्वास होना जरूरी है, तब आप फाइंडिंग्स करते हैं उस विश्वास को रीडेवलप या डेवलप करने के लिए, ये मेरा अपना मानना है। बाकी इन्होंने इस बुक में कुछ आफ्टर थॉट्स भी दिए हुए हैं आपके लिए, आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए जो आप करना चाहें, अदरवाइज ये बुक बहुत 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 अच्छी है, हर एक को अपनी लाइफ में इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे इसकी बाकी की बुक्स मिलेंगी इन राइटर की, तो मैं वो भी पढ़ूंगी और उसका रिव्यू करूंगी। आपको ये कैसा लगता है प्लीज इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जैसे मुझे पता चले कि आपको क्या चीजें पसंद आ रही हैं और किस तरह की बुक्स में आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छी चीज पढ़िए, अच्छी नॉलेज की बुक्स पढ़िए, अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्प्रेड करिए, स्वस्थ तन स्वस्थ मन और स्वस्थ विचार के इंसान बनिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।